नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 27 जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच फिल्म मेकर ऑनर्ड विद जेसी डैनियल अवार्ड 2022। तो जेसी डैनियल अवार्ड किस फिल्म मेकर को दिया गया? आंसर होगा केपी कुमारन को। केपी कुमारन को जेसी डैनियल अवार्ड दिया गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ इंस्टीट्यूटेड डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन। किस भारतीय राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? आंसर होगा ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया। तमिलनाडु ने जो जिला लेवल की एक क्लाइमेट चेंज मिशन चलाई है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे वो उनके देख रेख में ये पूरा कार्य हो रहा होगा। एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी मतलब गलत काम या फिर कह सकते हैं जो भी अफेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को, उस काम को रोकने की कोशिश की जाएगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा। जैसे कि अगर पेड़ जल रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं बगैर किसी यूज़ के, तो उनको रोकने का जिम्मा होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। एनवायरनमेंट को यहाँ पर एक बीच में रखकर, एनवायरनमेंट को बीच में रख के स्कीम बनाई गई, क्या डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन चलाया जा रहा है, जिससे कि एनवायरनमेंट और साथ साथ हमारे जो कल्चर है, डाइवर्सिटी है, उसको बढ़ाया जा सके। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने DCCM को लॉन्च किया। तो इसकी बात कर ले, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन, तमिलनाडु के गवर्नर हैं कौन? RN रवि साहब। याद रखना है, तमिलनाडु भारत के मेनलैंड में सबसे साउथर्न पार्ट में अवेलेबल है, मतलब इनकी एक जगह है जो कि सबसे साउथर्न पार्ट में अवेलेबल है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्टेट में अवेलेबल है। कई लोग केरला कंफ्यूज होकर बोल देते हैं, लेकिन केरला नहीं है, मेनलैंड में तमिलनाडु सबसे साउथर्न तक भारत के फैला हुआ है। वैसे तो अंडमान निकोबार सबसे साउथर्न तक फैला है। इंदिरा पॉइंट आपने सुना होगा, अंडमान में ही अवेलेबल है। याद रखिएगा, तमिलनाडु के द्वारा ऐसा किया गया। रिसेंटली में जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का बुरहानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे पहला डिस्ट्रिक्ट वो बना जो कि हर घर जल से कनेक्ट हो चुका है। हिमाचल प्रदेश पहला इंडियन स्टेट है जिसने सारे कमर्शियल व्हीकल को रजिस्टर कर लिया है, और जो भी इमरजेंसी समय आएगा उस टाइम पे इनका यूज़ किया जाएगा। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा ने स्वनिर्भर नारी स्कीम को लॉन्च किया। गोदावरी आइलैंड पे आंध्र प्रदेश ने पहली बार ब्लैक बक सर्वे ऑर्गेनाइज कराया। आपको बता दूं, ब्लैक बक ही आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल है। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर अब नए बन चुके हैं, एडिशनल चार्ज इनको मिला है, ला गणेशन, जो कि मणिपुर के ऑलरेडी गवर्नर हैं, इनको एडिशनल चार्ज वेस्ट बंगाल का दिया गया। केरला पहला स्टेट ऐसा है जिसके पास खुद का इंटरनेट सर्विस अवेलेबल है। उत्तराखंड पहला स्टेट ऐसा बना जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल पर इम्प्लीमेंट किया। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अर्न विद लर्न स्कीम को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स स्पेस स्टेशन मॉड्यूल कॉल्ड वेंटियन। किस देश ने वेंटियन नाम का अपना अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आंसर होगा ऐसा करने वाला चाइना बना है। आपको पता होगा तियांगोंग स्पेस स्टेशन डेवलप कर रहा है चाइना, जिसने अपना सेकंड मॉड्यूल को, जिसका नाम वेंटियन रखा गया, उसको लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का यूज़ करके। याद रखिएगा, चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन बन रहा है, जो कि थर्ड ऐसी कंट्री बन जाएगी अगर ये सक्सेसफुली कंप्लीट होता है।
स्पेस स्टेशन डेवलप करने वाला। यहाँ पर जो इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कमल हसन जी को यूएई के द्वारा गोल्डन वीज़ा दिया गया। शेख मोहम्मद साहेब अल सालिम जिनको कुवैत का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो दागी ने रिज़ाइन कर दिया है। इंग्लैंड जो कि पहली ऐसी कंट्री बनी, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि वेदर वार्निंग इन्होंने अपनी जारी की, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस इनके कुछ इलाकों में टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया। श्रीलंका के 9वें नंबर के प्रेसिडेंट बने रानिल विक्रमा सिंघे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एविएशन पैसेंजर चार्टर को लॉन्च किया, जिससे कि पैसेंजर्स के राइट्स को कंजर्व किया जा सके, और साथ साथ जो उड्डयन पूरा सिस्टम है, मतलब जो सिविल एविएशन सिस्टम है, उसको कोरोना वायरस के बाद पटरी पर लाया जा सके। टेस्ला के CEO इलॉन मस्क जिन्होंने ट्विटर की 44 बिलियन डील को टर्मिनेट कर दिया है। बोरिस जॉनसन ने यूके के प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। यार लापिद 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं इसराइल के। अगर आप करंट अफेयर की ईबुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ईबुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के करंट अफेयर को कवर किया गया है, बिल्कुल शेड्यूल तरीके से। 1300 से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, दोनों लैंग्वेज में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट इज़ एसोसिएटेड विद द फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट। फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस स्टेट ने इसे स्टार्ट किया? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने हेल्थ के सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो ये फैमिली डॉक्टर नाम का प्रोजेक्ट है कुछ डिस्ट्रिक्ट में अपने स्टार्ट किया है। क्यों स्टार्ट किया है? जो भी उनकी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर अगर मरीज जाता है तो प्राइवेट में क्या होता है कि उनसे ना फीडबैक लिया जाता है कि हमारा आपको कैसा लगा, कि हमारी सर्विस कैसी लगी। इसी तरीके की सर्विसेज अब फैमिली डॉक्टर का जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस हॉस्पिटल में इसे लॉन्च किया गया, उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जब मरीज रिलीज होगा तो उनको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा जो उन्हें फिल करना है, इससे उनकी परफॉर्मेंस को आंका जाएगा। अगर ये सक्सेस होता है तो इसको पूरे स्टेट में लॉन्च करने की इस मतलब योजना बनाई जा रही है आंध्र प्रदेश के द्वारा। अच्छा है, वहाँ पर मेडिकल जो सुविधाएँ हैं वो और बेहतर होंगी। आंध्र प्रदेश की यहाँ बात हुई है। आंध्र प्रदेश को स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल इसकी अमरावती है। डिस्ट्रिक्ट 26 है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी हैं। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 175 सीट्स और काउंसिल में 58 सीट आती हैं। राज्यसभा में 11 सीट और लोकसभा में 25 सीट आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो पापीगौंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो कारगिल विजय दिवस, पाकिस्तान के ऊपर हमें जो जीत मिली थी उसी समय के लिए हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं, कारगिल विजय दिवस के रूप में, जो कि 26 जुलाई को हम हर साल इसको ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा, पाकिस्तान के मतलब जब युद्ध हुआ था 1999 में, तो वहाँ पर 26 को ही हमें विक्ट्री मिली थी, इसीलिए इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2 जुलाई और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे भी 2 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, वर्ल्ड मलाला डे और वर्ल्ड पेपर बैग डे हम 12 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई, इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई और आयकर दिवस या फिर इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं। कारगिल दिवस 26 जुलाई को ऑब्जर्व होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडिया जापान कंडक्टेड अ मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन विच सिटी, इन विच सी, किस सी में, किस समुद्र में इंडिया और जापान के द्वारा मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया।
आंसर होगा ये किया गया अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की अंडमान जो सी है, अंडमान निकोबार का के पास जो अंडमान सी है वहाँ पर इस मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत और जापान के बीच में एक्सरसाइज की गई है। याद रखिएगा भारत अलग अलग देशों के साथ अलग अलग एक्सरसाइज करता है, उनको रिवाइज कर लेते हैं। संप्रति एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ, मैत्र शक्ति एक्सरसाइज श्रीलंका के साथ, मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड के साथ, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास यूएस के साथ, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, गरुण शक्ति एक्सरसाइज इंडोनेशिया, धर्म गार्जियन जापान, सूर्य किरण इंडिया नेपाल, हैंड इन हैंड चाइना, सिम्बेक्स सिंगापुर और भारत एक दूसरे के साथ मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, शक्ति एक्सरसाइज भारत और फ्रांस, और कॉर्पोरेट एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच में होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है अ बुक टाइटल्ड दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड रिटन बाय। तो दिलीप कुमार जी के ऊपर एक बुक लिखी गई जो कि दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ द लेजेंड, ये किसके द्वारा लिखी गई आपको बताना है। आंसर होगा फैजल फारूकी के द्वारा इसको लिखा गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा जो दिलीप कुमार है उनको यूसुफ खान, उनका जो असली नाम है वो यूसुफ खान है, दिलीप कुमार उनका सिनेमा का नाम है, उनके ऊपर एक बुक लिखी गई द शेडो ऑफ द लेजेंड दिलीप कुमार। याद रखिएगा फैजल फारूकी के द्वारा इसको लिखा गया। रिसेंटली में जो बुक रिलीज हुई उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बियॉन्ड द मिस्टी व्हील को लॉन्च किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कनेक्टिंग थ्रू कल्चर जो कि सुषमा स्वराज भवन में जो दिल्ली में अवेलेबल है वहाँ पर लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ जिन्होंने द मैकमोहन लाइन को लॉन्च किया। मीनाक्षी लेखी जो कि हमारी कल्चर की मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनके द्वारा स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरो बुक को लॉन्च किया गया। प्रार्थना बत्रा जी के द्वारा गेटिंग द ब्रीड द जेन जेड वे टू सक्सेस को लॉन्च किया गया। विश्वनाथन आनंद जी ने आनंद जी के ऊपर माइंड मास्टर बुक को रिलीज किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हुज जॉइन एज CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विस। पेटीएम पेमेंट सर्विस के CEO के रूप में किसने ज्वाइन किया है। आंसर होगा इनका नाम है नकुल जैन। नकुल जैन ने प्रवीण शर्मा की जगह यहाँ ली है। यहाँ पर बात की जाए पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड जिसके नकुल तो बन गए हैं, नकुल जैन जी बन गए हैं CEO और प्रवीण शर्मा की जगह इन्होंने ली है। MD और CEO पेटीएम के विजय शेखर शर्मा हैं। पेटीएम को फाउंड किया गया था 2010 में नोएडा उत्तर प्रदेश में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च्ड इट्स मोबाइल ऐप नेम्ड AI फर्स्ट को किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आंसर यहां पर हो जाएगा ये कैनरा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। वन स्टॉप जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रिक्वायरमेंट है कस्टमर के सर्विसेज से रिलेटेड, वो सारी यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, इस ऐप के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा जिससे कि जो कस्टमर्स हैं उनको सहूलियत प्रोवाइड कराई जा सके कैनरा बैंक के द्वारा। इसीलिए कैनरा AI फर्स्ट नाम की एक ऐप को लॉन्च किया गया कैनरा बैंक के द्वारा। इसके अंदर 250 फीचर्स दिए गए हैं कैनरा बैंक के द्वारा। कैनरा बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु है। कैनरा बैंक के इस समय पर CEO हैं कौन, लिंगम वेंकट प्रभाकर। फाउंड किया गया था अमेम्बल सुब्बा राव पाई के द्वारा 1906 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड विच पार्ट ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया टू अलाउ द ट्राइकलर टू बी होस्टेड डे एंड नाइट। तो केंद्र सरकार ने दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता के किस भाग में संशोधन किया है। आंसर होगा अभी आपको पता है हर घर तिरंगा मिशन चल रहा है जिसके अंतर्गत लोगों को अलाव किया जा रहा है कि आप दिन रात झंडे को फहरा सकते हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने पार्ट सेकेंड में अमेंडमेंट किया है।
डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा पार्ट सेकंड में अमेंडमेंट केंद्र सरकार ने किया है। आज के क्विज की बात करें, हुज विंस द टाइटल ऑफ 2022 फ्रेंच ग्रैंड पिक्स, फ्रेंच ग्रैंड पिक्स के को किसके द्वारा जीता गया, आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।